लक्षद्वीप में जिस तरह की घटना घटी, आदरणीय विजय सिन्हा जी कई बार यहाँ का निरीक्षण किए, माननीय विधायक सुनील जी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, रविशंकर जी हैं, सारी रिपोर्ट पार्टी को देते रहे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये डिमांड करते रही कि आज देखिए, जब भी विजय सिन्हा जी आए या आज हम आए तो पूरा पुलिस खड़ा कर दिया है। अरे जिस दिन घटना घट रही थी उस दिन यदि पुलिस खड़ा होता, एक भी मर्डर नहीं होता और एक भी लोगों को गोली नहीं लगता। नीतीश बाबू कहां सोए हुए हैं? जगिए, ये आपकी धरती है, नालंदा आपकी धरती है, बिहार शरीफ। आप स्वयं कहते हैं कि मैंने बिहार शरीफ बनाया है, पता नहीं कब बनाया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बनाया है। तो बिहार शरीफ के लोगों में ये दुर्भावना फैल रहा है कि इस जाति के लोगों ने, इस धर्म के लोगों ने इस पर गोली चलाया, लाठी चलाया और आप आराम से सो रहे। और आज जब हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, हमारा और विजय सिन्हा जी का, तब सरकार ने चोरी छुपे रथ को ले जाकर मनीराम अखाड़ा पहुंचा दिया। अरे ये धार्मिक का कार्य है, ये प्रशासन का कार्य नहीं है। हम सनातनी है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में तो अब सनातन धर्म के लोग पूजा भी नहीं कर सकते। यह स्थिति बना दिया नीतीश बाबू आपने, और यह शुद्ध शुद्ध तुष्टिकरण है। आप तुष्टिकरण में इस तरह बिहार को नहीं झोंक सकते हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर आज भी मांग करता हूं, विजय सिन्हा जी आए थे, पहले भी डिमांड इन्होंने किया और आज फिर मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज के एक आयोग का गठन करे, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं है आपके जिलाधिकारी पर। जिलाधिकारी कहते हैं कि 144 नहीं लगा है, जब लोग आते हैं तो जदयू और कांग्रेस के लोग घूमते हैं शहर में, लेकिन भाजपा के लोग आते हैं तो 144 लग जाता है। ये कौन सा न्याय है? किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ न्याय, दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ये नहीं चलेगा। इसलिए जिला प्रशासन और पूरा प्रदेश में जो पूरा पदाधिकारी है वो भी कहते हैं 144 कभी लगा ही नहीं। जेडीयू के सारे नेता कहते हैं 144 नहीं लगा है, और जब यहाँ लोग आते हैं तो कहता है 144 लगा है, आपको सर्किट हाउस में ही मिलना होगा। क्या दुर्भाग्य है। इसलिए यह चिंता का विषय है। हम लोग 8 तारीख को महामहिम राज्यपाल से नीतीश कुमार की सरकार का शिकायत भी करेंगे और पूरा रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे कि सरकार को निर्देशित करे, किन चीजों पर कार्रवाई करे, आयोग का गठन करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नालंदा के धरती के मिट्टी के लाल होकर नालंदा के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का काम नीतीश की सरकार कर रही है। नालंदा के सांसद बजरंग इस इशू पे, वो तो पॉलिटिकल इश्यूज है। देखिए, रावण भी प्रयास किए थे कि बजरंग बली को बांध दे, बांध पाए थे। जब रावण नहीं बांध पाए तो ये सरकार में इतनी हिम्मत कहाँ? आप वीडियो देखिए नारायण जी, आप वीडियो देखिए, एक रथ चल रहा है और सिर्फ प्रशासन की ही गाड़ी है। मैं इसे नहीं बोलता हूँ, एविडेंस पे बोलता हूँ। सिर्फ एक रथ है और सिर्फ पुलिस की गाड़ी है। अरे ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट है, आप कैसे रोक सकते हो? हम अपने धर्म की पूजा करेंगे, इसको रोक कैसे सकते हो आप? बजरंग दल ने सूचना नहीं दिया, जब मैं मूर्ति उठा रहा था वो कहाँ थे? हाँ, जिसमें मूर्ति उठा रहा, इसको सूचना नहीं दिया गया।
अरे ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सरकार के सभी लोगों को सूचना देना होगा, सरकार का दायित्व होता है, विरोधी का दायित्व नहीं है। ये सरकार का दायित्व है कि मीडिया से लेकर आम लोगों तक को सूचना देना चाहिए। आदरणीय विजय सिन्हा जी भी कुछ बात, आज तक चुनाव के बाद जैसे खबरें आ रही हैं कि विपक्ष के लोग पूरे देश के एकजुट होंगे, पटना में बैठक करेंगे। देखिए चाय नाश्ता करने के लिए अच्छा व्यवस्था है। नीतीश बाबू को आपसे ज्यादा हम नहीं जानते हैं, नीतीश बाबू इसी मिट्टी के हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मेमोरी लॉस सीएम है। हम तो जितने पार्टी के लोग आएंगे उनसे ये जरूर आग्रह करेंगे कि ये को लिखवा के रख लीजिएगा, नहीं तो भुला जाते हैं। क्योंकि 77 में जब कपूरी ठाकुर के नहीं हुए, लालू प्रसाद के नहीं हुए, देवीलाल जी के नहीं हुए, बीपी सिंह जी के नहीं हुए, जौहर साहब के नहीं हुए, शकुनी चौधरी जी के नहीं हुए, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के नहीं हुए, प्रभुनाथ सिंह जी के नहीं हुए, अभी तो गिनती गिनते शरद यादव जी के नहीं हुए, अभी तो हजारों की गिनती होगी जिसके नीतीश नहीं हुए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जितने पार्टी के लोग आए वो लिखवा लें कि नीतीश बाबू साबाला बनिएगा ना, दूल्हा कोई हो तो यहाँ पते नहीं है कि दूल्हा कौन होगा और सवाला कौन होगा। अरे हम लोग तो खोज ही रहे हैं कि कोई सामने में ऐसा दूल्हा दिखे जो नरेंद्र मोदी जी से लड़ने की क्षमता रखता हो। देश में ऐसे कोई वैकेंसी ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। विजय जी,